हेलो दोस्तों, ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक चूल्हा बनाया है अपने हाथों से। यहाँ पर इसे बनाने में दोस्तों करीब करीब 1 घंटे का समय मुझे लगा है। और दोस्तों ये जो चूल्हा मैंने बनाया है एक हलवाई का था, जो कि यहाँ पर देखिए पहले ये स्टील के मतलब कि जैसे पाइप वाइप में था। और ये देखिए बहुत हल्का है, देखिए आवाज़ सही पता चला, एकदम टीना की तरह है, एकदम हल्का। तो दोस्तों चूँकि इस पर वेल्डिंग हो नहीं सकता था तो मैंने उनसे कहा कि भैया एक चूल्हा ही बनवा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप बना देंगे, तो मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने उनका जो है कि बनाया है। और ये चूँकि ये बहुत वज़न है और इसका हल्का जैसे कितना वज़न है आप लोगों को मैं अभी दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं अपना काटा चालू करके थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि ये जो मैंने बनाया है इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। ये जो है कि बाज़ार वाला है और ये जो है इसे मैंने स्वयं बनाया है। तो दोस्तों ये आधा किलो का बर्नर था, ये पहले से ही मतलब था आधा किलो का बर्नर। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए इसका जो वज़न है ये 7 किलो 800 हो रहा है। तो मान लीजिए अगर आधा किलो बर्नर का भी अगर घटा देंगे, मान लीजिए 800 भी अगर घटा दें तो 7 किलो सीधे सीधे ही हो गया। लेकिन अब ये जो था ये वाला, ये देखिए ये कितना है, इसका वज़न देखिए सिर्फ 1.5 किलो है। अब ज़रा सोचिए दोस्तों कि ये बाज़ार से लाया हुआ चूल्हा है और इसे मैंने स्वयं बनाया है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसे मैंने बनाया कैसे है। तो सिंपली सी बात है दोस्तों कि ये जो आप पाइप देख रहे हैं इसमें, ये देखिए आपका यहाँ इधर से ये 2 है और इधर से एक है, मतलब ये 2 1 के पाइप में मतलब ये पुराना वाला बना था और ये स्टील का पाइप है। और मैंने यहाँ पर जो यूज किया है ये 1.25 इंची का पाइप यूज किया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक 1 फीट है और इधर से 1 फीट है, मतलब 1x1 का ये है। और दोस्तों ये भी मैंने 1x1 का बनाया है। और जैसे जैसे इसमें जो भी चीज़ें था दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसके अंदर का जो ये फेस है, यहाँ पर ये जो है स्टील का पाइप लगी है। तो मैंने जो है कि इसमें देखिए मैंने भी 2 1 का पाइप यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ पर देखिए इस तरह से, और यहाँ पर कस दिया है। और इसके नीचे जो है कि ये 1 इंची की पाइप है और ये भी 1.25 इंची की पाइप है, मतलब ये भी 1.25 इंची की पाइप और ये भी 1.25 इंची की पाइप। और यहाँ पर ये 3 सूत का सरिया है, मतलब इसे रोकने के लिए, जैसा कि इसमें भी देखिए ये बर्नर में है, मतलब जिस तरह से था ये उसी तरह से देख करके मैंने इसे बनाया है। और यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर अगल बगल यहाँ पर चादर लगा हुआ है, ये स्टील का चादर है, बहुत हल्का चादर है, ये आपका जैसे कि 22 या 24 गेज का होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है कि यहाँ 14 गेज का चादर लगा दिया है, ये देखिए यहाँ पर मैंने 14 गेज का, और ये 3 ओर से चादर मैंने प्रयोग किया है, इधर से और इसके बाद ये पीछे से और ये इधर से, मतलब कि ये इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर हवा हवा बहे तो मतलब इस पर जैसे ज़्यादा जोर ना पड़े, मतलब ये आँच इधर उधर ना जाए। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये सामने का फेस खुला हुआ है और यहीं पर जैसे पाइप लगी रहती है तो ये जैसे बनता है। और ऊपर का ये जो फेस है ये मैंने 1.25 इंची पटरी का बनाया है, मतलब दोस्तों मैंने ये ग्राइंडर से इस तरह से क्रॉस काट दिया था, मतलब ये देखिए जैसे ये 1.25 इंची का पटरी है ना, तो मैंने जो है कि इसी में जैसे इस तरह से क्रॉस काट दिया था। तो एक क्रॉस काट रहा था तो इसमें 2 निकल जा रहा था, उसी तरह से एक क्रॉस काटा 2 निकल गया, तो उसी प्रकार से निकाल के बनाया, मतलब जो इस तरह से जो ये है उसी प्रकार से मैंने भी इसे बना दिया है। तो दोस्तों इसका वेट तो मैंने आपको दिखाई दिया और आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बाज़ार वाले से और इससे कितना अंतर पड़ जाता है चूल्हे में। तो दोस्तों कैसे लगी ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये जो चूल्हा मैंने बनाया है वो आपको पसंद जरूर आ रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के कंटेंट डालता रहता हूँ। अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।